या करें तो वो तो यानी जतीनी तौर पे फारसी में या अरबी में करेंगे, तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा कि भाई कोई तर्जुमा करके बताए इनको ताकि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। तो कुरान के साथ भी एग्जैक्टली यही है, खुदावंद ताला फरमा रहा है कि इसमें जो है आपकी एडवाइस को जब तक हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे और कुरान के दरमियान एक बैरियर है, और वो है क्या कि हम उसको नहीं समझ पाते, और वो जबान उसकी हमारे से मुख्तलिफ है, वोकैबुलरी नहीं आती हमको। बल्कि ये आपने हर हर इल्म में आपने गौर किया होगा, किसी भी इल्म में किसी भी बच्चे से पूछिए कि इल्म आपके लिए क्यों मुश्किल है, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो उसकी समझ में नहीं आते, वो बैरियर बन जाता है, एक वॉल बन जाती है, और आप उस इल्म के करीब नहीं आ पाते। यहाँ पर इसका मकसद ये है तर्जुमे और मफाहिम कुरान के कोर्स का कि वो बैरियर किसी हद तक रिमूव किया जा सके, ताकि आप फैमिलियर हो सके, और उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उन्स क्रिएट कर सके आप उसके साथ, आप अटैचमेंट उसके साथ कर सके। जब अटैचमेंट करेंगे तो फिर आप उसको अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, अब इसका मेथड क्या है? पहले बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड अप्लाई किए गए लोगों ने मुख्तलिफ ज़बानों में, कुछ लोगों ने जो है वो पूरी अरबी ज़बान सीखने की कोशिश की, फेल हो गए। यानी अरबी ज़बान सीखना, कुछ लोगों ने उसकी ग्रामर सीखने की कोशिश की, मुश्किल होती है, हर इंसान में इतनी इस्तेदाद नहीं होती कि वो अरबी ज़बान की ग्रामर को समझ सके, अरबी ज़बान को पूरा समझ सके। तो अब इसको एक नया मेथड इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया, और वो मेथड क्या है, यह मेथड यहाँ पर अमेरिका में भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने लेडी बर्ड की बच्चों की किताबें देखी हैं, आपने छोटे छोटे बच्चों की लेडी बर्ड की किताबें होती हैं, आप उनके पीछे वाले कवर पे जाएं, उन्होंने अपना मेथड लिखा हुआ है, क्या किस मेथड के ऊपर उन्होंने इसको अप्लाई किया है। वो ये कहते हैं कि भाई देखें, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, एवरीडे जो लाइफ में जो इंग्लिश बोली जाती है, उसमें 300 की वर्ड्स हैं, ठीक है, जो 300 की वर्ड्स हैं वो एक बहुत बड़ी जो तादाद है उसको तकरीबन 70% जो है उसको, जो रेगुलर हम जो कन्वर्सेशन इस्तेमाल करते हैं, 300 वर्ड्स उसमें इस्तेमाल होते हैं खाली। अगर आप वो 300 वर्ड सीख जाएं, आपको जो है तकरीबन 75% ऑफ जो आपकी जो डेली कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश है वो आप समझ सकते हैं या बोल सकते हैं 300 वर्ड से। अच्छा, और उसमें आप आइए, अमेजिंगली ये उनका बयान है, कहते हैं 12 वर्ड ऐसे हैं, 12 वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश के, अगर आपको पता चल जाए ये 25% जो है वो जो आपकी डेली कन्वर्सेशन है उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, ये इतफाक है कि हमने देखा कि इंग्लिश में भी यही, हमने ये जब कोर्स डेवलप हुआ है तो तकरीबन 25-35 ईयर्स पहले कोर्स डेवलप हुआ था, ये फारसी में डेवलप हुआ था, फारसी में स्कूल के बच्चों को इस तरह इससे सिखाया जाता था। ये एग्जैक्टली यही मेथड है जो यहाँ लेडी बर्ड वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है, कुरान में टोटल 78,000 वर्ड हैं, ठीक है, उनमें से बहुत सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। वो रिपीट हो रहे जो वर्ड हैं उसमें से तकरीबन समझ लीजिए 1200 वर्ड इन तीन किताबों में, तीन जिल्दें इसकी, उसमें इस्तेमाल किए हैं, तीन थ्री जिसकी जो वॉल्यूम्स हैं उसमें 48 लेसन है, 1200 वर्ड उसमें इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, जो उर्दू स्पीकिंग, उर्दू का इसमें फायदा है, यहाँ पर जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उसमें से उनको 1200 में 600 तकरीबन ऑलरेडी आते हैं, रह गए 600। अगर आप ये 600 वर्ड आप याद कर लें, 80% कुरान जब आप कोई आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी इसका इसका इस कोर्स का जो इसके जो वो है इसमें, यानी कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आपने ये वाली वोकैबुलरी आपने इस, अच्छा याद भी नहीं करना, अभी हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि उर्दू या जो यानी इंडिया में रहते हैं लोग या जो दूसरे या जो ईरान के हैं वो नोट करेंगे कि ये ऑलरेडी हमें आते हैं, हमारी सिर्फ तवज्जो नहीं है इसकी तरफ। जैसे मैं अभी बयान करूँगा, या तफक्करून, ठीक है, एक लफ्ज़ है कुरान में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, अगर हम उर्दू में देखें, आप भाई फिक्र नहीं कर रहे तो आप देखें वो जो फिक्र करना है वही यतफक्करून में से है, वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। यानी हमें आती है चीज़, यानी ये कोर्स जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो उधर, आपकी अटेंशन उस साइड पर करानी है कि भाई आपकी अटेंशन आप देख लीजिए ये लफ्ज़ आपको आता है। तो ये इसका क्या कहते हैं, इस पैटर्न पे ये डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग ये नोट कीजिएगा जो इंग्लिश में नहीं आता, फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं, मेरे पास एक इंग्लिश की एक अलग से एक किताब है, लेकिन मैंने कहा वो इसके साथ कंबाइंड नहीं हो सकती, ठीक है, फिर मैं अलग से आप लोगों के लिए, आप पहले इसकी पूरी कोशिश इसी पे कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है उसके मुकाबले में, वो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, ठीक
वो भी प्रोसेस में है। तो ये कि अगर नहीं होती तो फिर मैं आपके साथ फ़ोन पर भी कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ स्काइप पे भी कर सकता हूँ यहीं से बैठकर, ठीक है। और दूसरा जो भी मेथड किया जा सकता है, आप यहाँ पहले आ जाएं, आप लोग जितने भी और भी दो चार लोगों को इकट्ठा कर लें जो इंग्लिश में करना चाहते हैं, मेरे लिए मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिए अगर इसको समझ सकते हैं। बहरहाल ये इसका पूरा मेथड ये है इसका, ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आपने देखिए इसमें पहले ये कहा गया था होमवर्क नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लास में यहाँ पर तवज्जो देनी है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि वो जो आपको टाइम फ्रेम मिले उसमें उसकी तरफ तवज्जो दें, उसको जिस हद तक मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप मेमोराइज कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। टाइम हमारे पास नहीं है, लिहाजा मैं मजीद तमीज नहीं जाता, डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला स्टेप है, इसको पहले को खोलिए, पेज नंबर जो पहला लेसन है इसका 25, ठीक है ना। अब इसमें वैसे इन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है लिहाजा हम उनको स्किप करते हैं, डायरेक्ट हम आयात पर आते हैं। 27 है आपके उसमें, अच्छा आपके उसमें, मेरी किताब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल, अच्छा तो अब देखिए जो पेज नंबर 27 के ऊपर जो पहला ये इसका पैटर्न क्या है, अब हम नोट करेंगे कि हमारे पास आज तकरीबन 1 घंटा होगा, ठीक है ना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ, 23 तकरीबन ईयर्स है ना, 23 ईयर्स के अंदर जो है कुरान नाजिल हुआ। हम अगर इसको 23 घंटे अगर इस पर लगा देना तो हमें तकरीबन इसका जो है वो एक बड़ी बहुत 80% अगर हमें समझ में आ जाए तो इट्स वर्थ इट, ठीक है। और देखिए इसको इस किताब के आखिर में देखिए एक आयत लिखी हुई है, ये खुदा का वादा है, ठीक है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ता हूँ। हमने कुरान को नसीहत के लिए हासिल करने के लिए आसान कर दिया, तब क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। सिंपल, कुरान का एक दावा है कि ये आसान है, आसान कर दिया हमने इसको, इसको हासिल कर लीजिए, कोई नसीहत हासिल करे, ठीक है ना। बहरहाल हम पेज 27 पर आते हैं। अब देखिए इसमें पहले शुरू में ये 10 आयतें दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी इस कोर्स को जो डिज़ाइन किया गया है उसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि इन्होंने, आपके लिए दिलचस्प बात ये होगी कि जब आप ये पहली 4 एक्सरसाइज 4 दिन के बाद आप जब आएंगे तो आपको तकरीबन 40% आपको जो है वो आ चुका होगा। यानी इन्होंने क्या किया है, पहले वो लेसन ये हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़, ठीक है, फिर वही लफ्ज़ बार बार आएंगे आपको, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई मेरी तरह अगर कोई है जिसको देर में मेमोराइज होता है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लफ्ज़ रिपीट होंगे, नेक्स्ट लेसन में फिर रिपीट होंगे, फिर नेक्स्ट रिपीट होंगे, लेकिन वो छोटी छोटी चीज बातें जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, मैं इसका पहला तरीका ये है कि हम इसको पढ़ते हैं, कोई भी एक जिसकी तिलावत बहुत अच्छी हो। पहले इस वाले कोर्स में कतअन ना तजवीद पे तवज्जो देनी है अभी फिलहाल, ना ग्रामर पे तवज्जो देनी है, इसका कोर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ तर्जुमे पे तवज्जो देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पहले पहली वाली आयत, आप लोग अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें, पहली वाली आयत मैं पढ़ूंगा, आप इसमें से जो लफ्ज आपको समझ में आता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, जो लफ्ज भी समझ में आता है आपको अंडरलाइन, ताकि आपको पता हो। देखिए मैंने आपको कहा इसमें ये पूरा कोर्स क्या है, आपकी सिर्फ आपकी तवज्जो नहीं है इस वक्त, ठीक है। बाज़ औक़ात चीज होती है आपके पास लेकिन हमें तवज्जो नहीं थी, अच्छा ये तो हमारे पास ही है, ठीक है ना, ये इल्म आपके पास है ऑलरेडी, सिर्फ आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अभी जो आयतें पढ़ता जाऊंगा बहुत आराम आराम से पढ़ूंगा, आप हर लफ्ज के नीचे जो आपको समझ में आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए उसको। जी कर लीजिए, कोई मसला नहीं, हाँ कर लीजिए, अलबत्त थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी क्योंकि इसको ये खास उर्दू स्टाइल में लिखा गया है, लेकिन आप कर लीजिए उसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम इसको शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो जो लफ्ज आपको, जिसका तर्जुमा आपको अंदाजा है कि मुझे आता है, जैसे इस्म, देखें बिस्म है ना, तो उसका उसके अंडरलाइन कर लीजिए, अल्लाह मालूम है आपको, रहमान रहीम, जो जो चीजें उसको अंडरलाइन करते जाइए बस। इन फी ذلك لآيات لقوم يتفكرون, अंडरलाइन करते जाइए उसको, जो जो आपको ऑलरेडी आता है। इन फी ذلك لآيات لقوم يعقلون,
फोर्थ आयत, इन्ना फी ज़ालिका लिआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून। इन्ना फी ज़ालिका लिआयातिल लिक़ौमी याक़िलून। याद शायद इन्होंने रिपीट कर दिया। जी, अच्छा, आपके अंदर मुख्तलिफ है आपके उसमें। अच्छा, सही है, ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं। चलिए छठा वाली, इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लिल मुमिनीन। वमिन आयातिही अन खलककुम मिन तुराब। ये नया पैटर्न, लिहाजा इसमें दोबारा रिपीट करता हूँ। वमिन आयातिही अन खलककुम मिन तुराब। वमिन आयातिही खल्कुस्समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्कमर। वमिन आयातिही खल्कु समावाति वल अर्द। तकरीबन कितने परसेंट आप लोग समझते हैं, आप लोगों को इसमें से ऑलरेडी आती हैं? 90% आती है। देखिए, आप सिर्फ इंकिशाफ हो रहा है, आपको भी पता चलेगा अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, कि आपको इसमें से ऑलरेडी आपको आती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हैं जिससे आप लोगों को तकरीबन कितनी है? जी अच्छा, सही है, आप कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए आप, ठीक है जी। आप लोगों को कितनी आती है? अच्छा माशाल्लाह, देखिए आप, देखें अब हम देखेंगे ये सबसे ज्यादा ये वाले, अब देखिएगा इन्ना कितना इस्तेमाल हो रहा है पूरे उसमें कुरान में, ठीक है, या दूसरी इक्का दुक्का चीजें रह जाएंगी जो हम इंशाल्लाह वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद वाला जो इसमें इन्होंने डिफाइन किया इस तरह से कि एक टेबल दिया है। अब जाहिर है ये उर्दू जबान के लिए है, खास तौर पे जो उर्दू जबान से फैमिलियर हैं, कि जो मानूस अल्फाज हैं, जो फैमिलियर अल्फाज हैं, उसको राइट साइड पे रखा है, और जो नए अल्फाज हैं उसको लेफ्ट साइड पर रखा है, ठीक है। तो हम पहले जो फैमिलियर अल्फाज हैं उसको पढ़ेंगे, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिए, जिसको नहीं आता उसमें से कोई, वो उसको मार्क कर ले, अगर कोई सवाल हो तो पूछ ले, ठीक है। मानूस अल्फाज में से जो है पहले इख्तलाफ, ठीक है, हमें उर्दू जबान का लफ्ज़ है इख्तलाफ, ठीक है। यानी हम लोग एज अ शिया कम्युनिटी तो बहुत इससे फैमिलियर, होना नहीं चाहिए हमें इख्तलाफ, लेकिन बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है। बहरहाल, अर्ज जी, बहरहाल दूसरा जो है वो अर्द, जमीन, अल्लाह खुदा, रहमान बड़ा मेहरबान, रहीम नहायत रहम करने वाला, कौम, कौम उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लैल, लैल लैला रात या शब को कहते हैं, मोमिनीन मोमिनून मोमिनीन को कहते हैं, ईमान लाने वाले लोगों को कहते हैं, वाह वाह जो है ये और के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, अरबी जबान में, शम्स सूरज, कमर चांद, इस्म नाम, खल्क खल्क करना। अच्छा, इस पे ये आपके लिए आसान हो तभी तवज्जो जरूर दीजिएगा इस पे, ये मत समझिएगा कि अभी ये बहुत आसान हो गई, तवज्जो दीजिएगा। इसका 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 इसकी सीक्रेट ये है कि इस पे तवज्जो देनी है, और इसको जो लफ्ज़ है उस पे एक दफ़ा गो थ्रू करना है, ठीक है। अच्छा, इसके दूसरे पेज पे आ जाइए, वो भी फैमिलियर इसमें अल्फाज हैं, समावात आसमान, यानी समा की जमा है, आयत निशानी,
अलामत को भी कहते हैं, और आयत उस आयत की जमा है। ये हम ऑलरेडी इन अल्फाज से फैमिलियर हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नए अल्फाज पर, जो नए अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं, और इस किताब के जो ऑथर है उन्होंने सोचा कि ये वाले अल्फाज जो है उर्दू बोलने वालों को नहीं आते होंगे, लेकिन आप नोट करेंगे इसमें भी हमें कुछ आते होंगे, ठीक है ना। तो हम 50% दावा था, हमने कहा था हमें 12, देखिए हमारा टारगेट क्या है, 1200 लफ्ज को हम 1200 जो वोकैबुलरी से हमने उसको याद करना है, हमें जहन में याद नहीं करना है, हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी है, उसकी वजह से हमें 80% कुरान की वोकैबुलरी का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 50% तो ऑलरेडी आते हैं, अब हम देखते हैं ये जो बाकी 50% इनमें से कितना है। अलसेना, अलसेना ये नया लफ्ज है, इसके माने होती हैं लैंग्वेजेस, जबाने, ठीक है ना। अच्छा अगर अगर पेज नंबर आप आ जाइए 27 पे, जी, अलसेना अगर हम गौर करें तो हमने फिर भी बाज लोगों ने शायद सुना हो लिसान की जमा है, लिसान, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल लिसान की जमा है, लेकिन बाज लोगों ने नहीं सुना होगा, जो यहाँ पे पले बड़े उनको बिल्कुल नहीं सुना होगा लिसान क्या मायने होते हैं। बार लिसान माने जबान होता है, अलसेना उसकी जमा है, अलवान जमा है लॉन की, नहीं, लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। अलवान ये जमा है किसकी, लॉन की, ठीक है, रंग यानी रंग की जमा है रंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो, अच्छा ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, पहले मैं आपको अभी बता दूं, ये वाले जो नए अल्फाज हैं ये मैं एक दफा आपके सामने पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं 10 मिनट दूंगा, इसको आपने अपने जहन के अंदर मेमोराइज करना है। आप लोग सब अपने एक एक जो बराबर जिनके साथ बैठे हैं उनके साथ आप पार्टनर बन जाएंगे, पूछेंगे एक दूसरे के साथ, जवाब देंगे, ये की है इसके अंदर, ठीक है। ये जो ये वाले नए लफ्ज़ हैं, एक दफ़ा आपके सिर्फ आप उसका एक वो ले लीजिए पिक्चर, उसकी आपके दिमाग में बन जाए, उसके बाद ये हेल्प करेंगे हमें ट्रांसलेट करने में चीज़ों को, ठीक है। ख़ासतौर पर ये जो की वर्ड आ रहे हैं आप, ठीक है, जैसे बे, इसके मायने हैं से या जरिए, यानी फ्रॉम, ठीक है ना, जी जी आप सवाल कीजिए, बिल्कुल जी, हाँ नहीं वो दूसरा लफ्ज है, मिलता जुलता है, लेकिन अभी क्या कहते हैं आप, अभी वो बिल्कुल दूसरा लफ्ज है, ठीक है ना। तो बे ये याद रखिएगा, ये एक तरह से जो है वो, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्म नहीं है, इसमें दूसरे भी, इसमें सिर्फ नाउन नहीं है, इसमें दूसरे प्रीपोजिशंस वगैरह भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। बे जब भी बे आएगा, जैसे आप याद रखिए इधर से रखेंगे बे, याद रखिए बिस्मिल्ला से, पिक्चर आप बिस्मिल्ला की रखें, बे बिस्मिल्ला यानी इस्म से या इस्म के जरिए से, ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे चीजों के जरिए। बे के माने से, इस्म से, जरिए से, अल्लाह के नाम से, ठीक है ना। उसके बाद है लफ्ज अन, ये बहुत इस्तेमाल होता है, अन उर्दू में के, ये के, इंग्लिश में आप कह लें शायद दैट, ठीक है ना, दैट। उसके बाद इन्ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है लफ्ज, बहुत इस्तेमाल होता है, इसके माने क्या है, सर्टनली, ठीक है ना, यकीनन, बेशक। अच्छा ये कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिन पे ये अरबी के खास हुए हैं, जैसे अभी हमने खल्क तो हमें पता है, ठीक है, खल्क किया है, लेकिन ये जब अरबी जबान में जब आप देखें सारे उसके ऊपर जो है वो आए हुए हों, समझे ना, हरकत लगी हुई हो, खलाका, तो अभी एक्चुअली ये इनका फेल है, यानी इसको क्या कहते हैं जो है आप, हाँ ही क्रिएटेड, सही है ना, तो उसने खल्क किया, उसने पैदा किया। देखिए आप लोगों में से खुद मैं ऑलरेडी नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ को ये बहुत आसान लग रहा है, राइट। अब सिर्फ इमेजिन करें कि अगर आप इसको थोड़ा सा आप सब्र करेंगे और इस किताब को आप एक दफ़ा गुजार लें, समझे ना, मैंने अर्ज़ किया था, आप डॉक्टर साहब आप नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे, कि इसमें कुरान के अंदर जो है 78,000 वर्ड हैं टोटल, जिसमें से कुछ तक यानी रिपीट हो रहे हैं, 1200 इसमें जो है इस्तेमाल किए गए हैं, वो 1200 अगर आपके जहन में आ जाएंगे, 80% कुरान की वोकैबुलरी आपके आती होगी, यानी 80% जो आयात हैं उसकी वोकैबुलरी जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो
शुरू में बहुत आसान लग रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान को पहले लेके आए हैं ये। उसके बाद जालिका, ठीक है, वो, ये, दिस, दैट, ठीक है ना, फी, मैं या अंदर, इन, ठीक है ना। उसके बाद कुम। अब ये इसमें इसमें जो है वो ये है कि तमाम प्रीपोजिशन भी आ रही हैं और दूसरे प्रोनाउंस वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कुम जो है वो तुम सब, अपनी, तुम्हारी। उसके बाद लाम, लाम के ऊपर डिपेंड करता है कैसे हरकत लगी हुई। यहां देखिए लाम के ऊपर फतहा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ला जो है ये हतमन या कतई के तौर पे, और एक दफा लाम के नीचे कसरा लगा हुआ होगा, वो आएगा पीछे, पीछे आके पहले देख लीजिए, पीछे वाले पेज पे देखिए, लाम के नीचे कसरा लगा हुआ, बोली है लिए, बराए, यानी फॉर। पहला वाला था हतमन कतई, यानी फॉर श्योर, सर्टनली, हैं, हाँ, दोनों के मैंने एक ही है, दोनों के मैंने एक ही है। अब आप नोट कीजिएगा, क्योंकि कुरान के अंदर हम आपके सामने जब बहुत सारी आयतें बयान करेंगे, बाज़ औक़ात इतनी श्योरिटी होती है कि खुदावंद ताला क्या करता है, फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर, बहुत सारे इस्तेमाल करता है। जब मुफस्सरीन उन आयत को देखना शुरू करते हैं, कहते हैं इतनी श्योरिटी इसमें, इतनी ताकीद है, यानी ये मतलब खुदावंद ताला कहना चाह रहा है कि 100% यही है, इतनी ताकीद कर रहा है कि ये काम हतमन ऐसे ही होगा। तो बाज़ औक़ात अरबी ज़बान का खासा है कि वो ताकीद, एक दफा इन्ना के जरिए भी ताकीद आ रही है, लाम के जरिए ताकीद आ रही है, ताकीद मतलब एम्फसाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, कह रहे हैं फॉर श्योर दिस विल हैपन, ठीक है। तो वो मतलब मुख्तलिफ तरीके के जरिए इसको ताकीद की जाती है, ये वो मकसद है उसका यहाँ पर। जी जी, तो आप ये वहीं रखिए ना अपने पास, उनके साथ देख लीजिए। जी, जबरदस्त। ये वही आसिम, आसिम ने जो किया ना, वही है। जी जी आपको कर सकती हैं, ये मेरे पास किताब भी है इसकी, अभी यही वाली, ठीक है, अगर आप चाहें तो। लेकिन मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा मसला है कि इन्होंने क्या किया, आसिम ने जब ये डेवलप किया इसको, तो इस कोर्स से थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो वो कुछ आयतें इस वाले पहले में नहीं होती, दूसरे में होती हैं, काफ़ी मुश्किल होती है कि हम उसको एक सेशन में। उसमें नहीं है, उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, अलबत्ता उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने क्या, जितने भी जो प्रोनाउंस उनको अलग कर दिया है, उनको उनको क्या कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को अलग अलग कर दिया, इस तरह कर दिया है। जी, लेकिन ये है कोर्स भी डेवलप, और ये ऑनलाइन भी ऑफर करते हैं इसको, ठीक है। तो आप अगर यही वाला मैं कोर्स का कह रहा था कि अगर आप लोगों को करवाना हो, तो फिर मेरे पास इसकी इंग्लिश में किताब पड़ी है एक, तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें फोटो कॉपी वगैरह दूसरी, या फिर आपको इस तरह से लेना होगा ये, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने लाम का देख लिया कि लाम के ऊपर अगर फतह हो। अच्छा, लाम में एक चीज़ है, लाम के अंदर एक चीज़ है, एक कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। ये लाम जब क्या कहते हैं किसी उसके साथ आता है, प्रोनाउन के साथ ऐड होता है, ठीक है, ये इन्होंने पीछे दिया हुआ है इन्होंने थोड़ा सा, तो ये फिर क्या कहते हैं जो है कसरा की जगह फतह में चेंज हो जाता है। जैसे ये लाम है, इसके मायने क्या है यहाँ पर, जब आपके कसरा हो जब इसके नीचे, तो लिए, बराए, ताके, ये है ना। लेकिन जब ये उसके ऊपर आएगा लहू, तो लेहू नहीं होगा, लहू पढ़ा जाएगा, लहुमा, आप प्रैक्टिस से आ जाएगा, अभी इसको गुणा कीजिएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक हल्की सी एक तवज्जो दिला रहा हूँ कि लाम के अंदर ये, लाम के साथ ये वाला सिलसिला है कि वो लाम के नीचे कसरा के मायने होंगे, लेकिन जब वो किसी उसके साथ आएगा प्रोनाउन के साथ, तो वो उसको क्या करेगा, फतह लेगा उसके साथ, ठीक है। तो लाहुमा, तो आप यह नहीं समझिएगा कि लाम कभी भी वो जो हतमी वाला, हतमन वाला है, वो कभी भी प्रोनाउन के साथ आएगा नहीं, ठीक है। वो जो हतमन वाला है वो हमेशा इस्म के ऊपर आता है, एक नाउन के ऊपर आता है, कभी भी किसी प्रोनाउन पर नहीं आता वो, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोनाउन पे कोई चीज़ आ रही हो, लाहू, लाहुमा, लकुम, ये हमेशा ये क्या है, इसके मायने दूसरे वाले हैं, इसके मायने क्या है, लिए, बराए, यानी फॉर, आप फॉर लिख लें इसके आगे, एक लेटर है खाली, खाली ला है, हाँ वहाँ, मतलब वही, मैं मतलब ला से मुराद यहाँ पे ला है, मैं उसको खींच रहा हूँ उसको, मैंने कहा तजवीद, यहाँ से मुराद ये जो लाम है ला, ठीक है ना, बस ये। उसके बाद जो है आप ये देखें
हे या हु जो है, ये नीचे जो है वो दो चश्मी बनी हुई है आपके सामने, ठीक है ना, वो उसके, वो ये भी क्या कहते हैं जो है, वो उस अपने, मिन जो है वो से, मिन के मायने हैं से या मे से, यानी आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखें। नहार दिन रोज, ठीक है, जैसे ये फारसी लोग कहते हैं नहार जो है वो खाने के, दोपहर के खाने को कहते हैं वो नहार, तो ये हो गया नहार दिन दिन, वो हम उर्दू में उस तरह कहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको कहा है आपके लिए उर्दू वाला नहीं है ये नहार, नहार ले लो, नहार जो है वो दिन और रोज, दिन और रोज, हाँ अर्ली मॉर्निंग खाते, नहीं उर्दू में वाली जो नहार नहीं है ये मतलब इसका मतलब है रोज या दिन। अच्छा, लेके हम तर्जुमा कर चुके हैं, या तफक्करून का हमें आपको बताया भी था, फिक्र जो है आप देख लीजिए इसमें, जब भी इस फॉर्म के अंदर आएगा लफ्ज आएगा, फिक्र को आप उसमें क्या कर दीजिए, इसमें ले लीजिए, वो सब सोचते हैं, वो सब फिक्र करते हैं, ठीक है, वो याकिलून इसी तरह से वो सब समझते हैं, और तुराब आपको मालूम है मिट्टी खा। अब आपके पास 10 मिनट में दे रहा हूँ सिर्फ, आप लोग सिर्फ इसको एक दफा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा ये लफ्ज, ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, यानी इसको आप लोग 10 मिनट एक दूसरे से, आप एक दूसरे से डिस्कस भी कर लीजिए, एक दूसरे के साथ पूछ भी लीजिए, क्योंकि ये वोकैबुलरी बहुत है, समझ लीजिए इसी वोकैबुलरी पे पूरी पूरी क्लास चलेगी। से फ्रॉम, अब वो खैर उसको जिस तरह से लिखते हैं, अलबत्ता उसकी मीनिंग यही है, यानी असल में उसके मायने वहां पे है जरिए से, जरिए उसके दूसरा लिखा ना जरिए, यानी विद द, विद द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम पढ़ते हैं लेकिन विद द नेम ऑफ, किसके थ्रू भी, थ्रू भी, थ्रू भी होगा जरिए से, हाँ मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा, मैं चाह रहा हूँ क्लास को कंटिन्यू जी। डॉक्टर साहब, ये जो अलिफ लाम है ना, ये इजाफी नहीं है यहाँ पर, जिस तरह अलिफ लाम लगा देते हैं जैसे इंसान पे अल इंसान कर देते हैं, ये अलिफ लाम इसका हिस्सा है, यही फर्क है उसमें और उसमें, वहां पे सिर्फ सिना है, ये अल सिना है, यानी वो जो अलिफ लाम इजाफा वो नहीं है, ये है? नहीं, स्वाद नहीं है, लेकिन वो मिलता है ना इससे बिल्कुल, अगर अलिफ लाम हटा दें तो सीना हो जाता है ना वो जी। जी कुछ भी आएगा देखिएगा, अब देखते हैं हम आगे, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी,
اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آئی تھنک انگلش مے بی مور بینیفیشل مگر آئی یو کین مینیج آپ لوگ ساتھ بیٹھ جائیں پھر آپ لوگ دوسری زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا ابو تراب امام علی کو کہتے ہیں نا مٹی کے باپ, یاد رکھیں اس کو اس طرح سے یاد رہے. اچھا ایک دوسرے سے آپ لوگ پوچھیں گے کیونکہ میں ویسے ہی 5 منٹ ہوں گے, میں آپ کو کہوں گا کتابیں بند کر دیں, میں پوچھوں گا آپ لوگ. جو آنا آئے گا وہ دیٹ کے معنی میں. آپ لوگوں کے پاس اب 2 منٹ رہ گئے خالی. ابھی ترجمہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ ہم سب. ابھی اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ ہم پہلے گو تھرو کریں گے ایکسرسائز, پھر واپس آئیں گے جو پہلی آئے آتے ہیں نا جو ہم نے پڑھی تھی اس کو ترجمہ کریں گے انشاءاللہ ساتھ. اچھا وہ جو میں فیملی الفاظ ہیں وہ بھی پوچھوں گا, وہ تو آتے ہیں آپ لوگوں کو. جی جی جو رائٹ سائڈ میں فیملی ہے پیچھے بھی اسی طرح سے, اس کے پیچھے بھی پیج پہ جائیے گا وہاں پر بھی ایسے ہی.
और अभी इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है, कोशिश की मेमोराइज कीजिए, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, आगे आगे जाके रिपीट होना शुरू होंगी। हाँ लेकिन वो आपको स्टार्ट तो कैसे लेना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करें हम, सबका हो गया। नहीं बहुत ज्यादा वो ना करें, इंशाल्लाह कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, हो जाएगा। नहीं नहीं होमवर्क तो हमने पहले कहा था, होमवर्क तो नहीं है इसमें, होमवर्क वाला मामला नहीं है इसमें कोई भी। पहले इम्तिहान तो, इम्तिहान सारी मुश्किल होते हैं। देख लीजिए अच्छी तरह, जी अगर रह गया कुछ देख लीजिए, मैं आपको दो चार मिनट और। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दे देता हूँ, जैसे जैसे इन्ना अगर आपको याद रखना है ना, तो आप हमेशा याद रखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना मतलब हतमन यकीनन फॉर श्योर, समझे ना, इतना श्योरिटी है, मरना तो है, मरना जो है वो इसके बारे में कोई शक ही नहीं है। तो आप याद रखिए इसको, याद इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। अन जो है वो चूंकि खास उसकी ग्रामेटिकल जो है उसकी वो है, अन माने है के, जैसे आप जो है वो दैट, यानी आपको दो सेंटेंस को आप मिला रहे हैं एक चीज से ना, ठीक है, ये एक चीज को इससे मिलाते हैं तो आप के, ये के, दैट इस तरह करते हैं। इंशाल्लाह वो इन है, वो इन है जिसके माने अभी इसमें नहीं है वो वाला, वो अगर है अभी, वो बस आप ये रखें इन्ना इन्ना, वो जो था क्या बताया था मैंने, आया था आपको इन्ना लिल्लाह है, मौत जो है फॉर श्योर है, बस वो इन्ना माने क्या है, फॉर श्योर यकीनन, इन्ना अनजलना में भी जो है ना वही है, समझे, यकीनन हमने नाजिल किया। चलिए खैर में टाइम ख़त्म हो गया, हम पूछना शुरू करते हैं। चलिए आप लोग किताबें बंद कर लीजिए, बताते जाइए। इम्तहान है, ओपन नहीं, क्लोज बुक। अच्छा चलिए हम पूछते हैं, हम पहले फैमिलियर पूछते हैं, आसान लोग, कौम बताइए क्या मानते हैं कौम, नेशन, कौम है ना, आप बताएंगे फी, फी आपको याद पड़ेगा, वो वाला नहीं, फी में फ्रॉम, एक्चुअली फ्रॉम वाला था ये। अच्छा लेकिन ये सही, आप सही कह रहे हैं, ये जो है ना, ये जो उन्होंने मैं लिखा है ना, एक तो वो उर्दू में एक तो मैं होता है मैं, और एक होता है वो से मैं है ना, इन वो, तो ये वो वाला है मैं, आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं गौर किया। अच्छा आप बताइए लाम के ऊपर अगर वो फतहा लगा हो तो, यकीनन, आप बताइए नहार, दिन, सुबह नहीं, सुबह उर्दू वाला है। अच्छा आप बताइए खलाका, ठीक है देखिए उसने तो उसने खल्क किया, आप बताइए खल्क, खल्क, हाँ पैदा करना, तकलीफ करना है, खल्क करना, ठीक है ना, बिल्कुल यही है ऐसा। और आप बताइए जालिका, दिस वो या ये, ठीक है ना, और आप बताइए इन्ना, यकीनन, आप बताइए बे, बे नीचे जो है, हाँ लेकिन मायने क्या है, बे जरिए, जरिए से यानी नाम से, जरिए से
अच्छा आप बताइए, अलवान रंग, रंग की जमा, लॉन की जमा, ठीक है। आप बताइए अलसेना लैंग्वेजेस, आप लाम के नीचे कसरा लिए बराए ताके ले, यतफक्करून हम वो सब सोचते हैं, फिक्र से है ना, लेकिन उसमें ये पैटर्न आ जाएगा तो वो सब सोचते हैं, वो सब फिक्र करते हैं। याकिलून, याकिलून अकल करते हैं, वो सब क्या करते हैं, समझते हैं, अकल माने समझना, वो सब समझते हैं। तुराब मट्टी, मिट्टी। अच्छा आप भी बताइए, आयत, आयत निशानियां, समावात, आप बताइए समावात, समावात आसमान, और समा की जमा है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद बताइए अर्ज, डॉक्टर साहब, जमीन, रहमान, उर्दू में क्या होगा, बड़ा रहमान, बड़ा मेहरबान, रहीम, निहायत रहम करने वाला। अच्छा वाओ, खाली और शम्स, कमर, मून, दोबारा खल्क, टू यानी उसका, हाँ यानी टू क्रिएट है उसमें, यानी पैदा करना, ठीक है ना, खल्क करना, पैदा करना, खलाका ही क्रिएटेड, या वो उसने पैदा किया, ठीक है, क्योंकि बस ये खलाका में उसने याद रखना है, हर चीज में इसी तरह से होगा। अरबी में मजदर जो होता है उसमें अमूमन क्या कहते हैं जो है वो नहीं होता, मैं खैर ग्रामर में जाऊंगा क्योंकि उन्होंने सब मना किया है, ग्रामर में खतरा नहीं जाऊंगा तो फंस जाओगे। अच्छा उसके बाद हाँ, लेकिन वो उसी के अंदर एक छुपी हुई चीज होती है, अब वो ग्रामर की चीज है, अब आप जब भी खलाका हो तो उसके अंदर उसके पेट में एक चीज हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम ये वाली एक्सरसाइज हो गई, बहुत अच्छी, अब आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर, हमारे पास टाइम कम है लिहाजा हमें तेज करना पड़ेगा। अब ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ, उसका जो पार्ट 1 और पार्ट B है। अब आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, जिनके पास पेंसिल नहीं है प्लीज पेंसिल ले लीजिए, और यहाँ पर ये वही विकेबलरी है जो है, इसमें मल्टीपल चॉइस है, इसमें आप जो सही लफ्ज है उसको टिक कर लीजिए, फिर मैं पूछूंगा आपसे, आप लोग टिक कर लीजिए इसको, पेंसिल अगर आपको पीछे दे दें तो, आपकी अपनी किताब है, एक पेंसिल पीछे भी दे दीजिए और आप भी ले लीजिए, पेंसिल आपके पास भी नहीं है, कोई पेंसिल मिल जाएगी सदर साहब, पेंसिल अगर 2-3 पेंसिलें अगर ला दें, नहीं हो तो छी, अब वो नहीं है शार्पनर, अभी तो फिलहाल शेयर कर लीजिए एक दूसरे के साथ तेजी से, ठीक है ना। तो अब ये इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसका अलिफ और बे दोनों करना है, कोशिश कीजिए कि बगैर पीछे देखे कर लीजिए, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस में से जो आपका करेक्ट आंसर है उसको दुरुस्त कर लीजिए। हो गया, आप किसी हेल्प कर दीजिए, अगर देख लीजिए अगर साथ कर कोई जो जिनकी हेल्प नहीं हो दूसरे की हेल्प कर दीजिए आप।
चलिए हमारे पास सब टाइम खत्म हो रहा है, हम इसको कर रहे हैं ठीक है। चलिए हम पूछ रहे हैं, आप लोग प्लीज अपना तवज्जो कीजिए अपनी किताबों पे, हम पूछते हैं आप बताइएगा कौन कौन आपने क्या जवाब टिक किया है ठीक है। बल्कि किताबें बंद कर दीजिए, तो बहुत आसानी भी पूछा था हमने आपसे ठीक है ना, तो इसको तो पता ऐसी पूछना चाहिए, ये किताबें देख के तो पूछना बड़ा जुल्म है इसमें। आप बताइए कुंभ, कोई हेल्प करे आपने है? तुम, आपने सही कहा तुम सब, तुम सब। देखिए उर्दू में, क्योंकि हम मसला ये है कि उर्दू में हम तुम जो है वो एक को भी कहते हैं, लिहाजा इसलिए यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के एम्फिसाइज किया तुम सब, ऑल ऑफ यू ठीक है ना, तुम सब कुम यानी ऑल ऑल ऑफ यू। अच्छा आप बताइए खलाका, उसने पैदा किया, ये भी आप बता दीजिए ठीक है, क्योंकि पैदा करने में बहुत सारा हो सकता है, किसने पैदा किया सही है सही है सही कहता, आप तो नहीं करते अच्छा आगा साहब बताइए आयात, निशानियां। आप बताइए समावात, आसमान। अर्ज, आप बताइए जमीन। अच्छा अब उर्दू से हम अरबी में आएंगे ठीक है ना, रहमान, सॉरी मैं बड़ा बोल रहा हूँ अच्छा आप बताइए, आप बताइए खल्क करना, खल्क करना अरबी बताएं उसकी, वही जो उर्दू में बोलते हैं खल्क। अच्छा हमारा उनका जरा वो है हमने क्या कहते हैं वो किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई मुश्किल वाला नहीं पूछना अच्छा आप बताइए जालिक, वो ये दैट दिस है ना, हाँ नहीं जालिक का वो है इशारा करना है, किसी का इशारा करना है नहीं, कुम तो उसका हाँ जी मैंने गलती कर रहा हूँ उस तरह में अच्छा आप ही बताइए, अच्छा आप बताइए यकीनन, इन्ना, वेरी गुड, आपने नहीं बताया निहायत रहम करने वाला रहमान, रहीम है रहीम। मुझे चेक कर रहे भाई, मुझे चेक नहीं करना, देखिए मैं इसलिए मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे ना सबसे ज्यादा रिलैक्स मैं हूँ, क्योंकि मुझे इम्तहान नहीं देना अच्छा वो उस, आप बताइए आप उर्दू में, ही और जी सही है, ही और जी हाँ। बहरहाल देखिए ये हो गई दूसरी वाली, अब आ जाइए हम एक्सरसाइज नंबर जी, नहीं नहीं वो था वो जो ही और हो, नहीं 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 वो तुम सब हो जाएगा, हाँ ये छोटी ही है। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, अब जो आ रहा है, अभी देखिए अभी तक हमने एक वोकैबुलरी को किया था, अब फ्रेज में आएंगे हम ठीक है, अब हम फ्रेज के उसमें आएंगे, एक थोड़ा स्टेप हमने ना आगे जाएंगे। अब इसमें एक चीज की तरफ इशारा करना जरूरी है, वो ये है, अब ये उर्दू का है इंग्लिश में थोड़ा सा होगा, जैसे उर्दू में क्या होता है कि जब आप कोई फ्रेज वाइज आप तर्जुमा करते हैं तो आप बाज़ औक़ात वो सेंस नहीं बन रहा होता उसका, लिहाजा आप उसको सेंस बनाते हैं, उसको अरेंज करते हैं उसको ठीक है ना, जैसे इन्होंने मिसाल दी है यहाँ पर
जैसे उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह है जैसे, ठीक है। अब ले माने क्या था, ले माने लिए, फॉर, ठीक है, और है अल्लाह, लिए अल्लाह के, ये होता है उर्दू में लिए अल्लाह के, लेकिन लिए अल्लाह के जब बोलेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज कर देंगे, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ये आप दो या तीन क्लासों में आएंगे ना, उसके बाद आप खुद ब खुद ये काम करने लगेंगे, लिए अल्लाह के की जगह कर देंगे अल्लाह के लिए, ये फ्रेज करते हैं, फ्रेज में ये काम करना है हमें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक वो ये होता है कि जब आप जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो रब्बिल आलमीन है ये हम सिफत बयान कर रहे होते हैं अल्लाह की, अल्लाह की एक सिफत है कि वो रब है, ठीक है। तो जब सिफत उर्दू में बयान करते हैं तो हम उसके अंदर एक चीज इजाफा करते हैं, जो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन, अल्लाह जो, ये उर्दू का है खाली, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है ना। तो उर्दू में हमें ये इजाफा करना पड़ता है, जैसे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, ठीक है, लेकिन अल्लाह कौन है, जो रब है, जो रब है, इसलिए जो का इजाफा करते हैं, जो चीज भी इजाफा करेंगे उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। इस पर बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद आएगा, ठीक है ना। इसको जो आपको इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये वाला कोर्स परेशान होने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे, सिर्फ तवज्जो है आपकी, सिर्फ आप इसको थोड़ा सा पैटर्न है, जैसे वो साइकिल चलाना कितना आसान होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका बैलेंस करके उसको पैडल मारना, उसको सही करना है, ठीक है। आइए अब हम इस पर जो है वो इस पर थोड़ा टाइम लगाइए, ये इबारत का सही तर्जुमा एक्सरसाइज नंबर 2, ये मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, उसके मल्टीपल च्वाइस है, इसमें जो सही है उसको आप टिक कर लीजिए, पेज 31 आ गया आपका भी। अच्छा हमारा पेज आपका एक ही हो गया शुरू में, 20, अच्छा आपने गलत हो, अच्छा अच्छा सही, मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ हमारे, अच्छा ठीक। अच्छा इस पे गौर कीजिएगा प्लीज, आप जब इसको तर्जुमा कर रहे हो ना तो इसको गौर कीजिएगा, इन्होंने क्या किया है उर्दू में, अच्छा अगर आप जितना इसमें यहाँ गौर करके करेंगे ना आपको तर्जुमा करने में उतनी आसानी होगी, यहाँ जल्दी ना कीजिएगा जवाब है, इसमें दो जवाब लिखे हुए आपके सामने, सिर्फ गौर कीजिए इसको और देखिए वो किस तरह से उसको फ्रेज को चेंज कर रहा है। आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा ना उसमें यही ना, आज का टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिलीजन मुश्किल है। अब देखिए कोई चीज़ आसान नहीं है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, तुम लोग कहते हैं खाली रिलीजन में मुश्किल कहते, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, आप उसको याद करना हर चीज़, ठीक है ना, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है अगर, लेकिन और वो एक साइकी होती है इंसान के बाद समझता है, वरना लर्निंग एक फेज है।
अच्छा देखें, जब ग्रुप ग्रुप के अंदर जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बाज़ लोग बहुत इसमें ग्रुप के अंदर बड़े कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, बाज़ लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको नहीं आ रहा, ठीक है ना, बस ग्रुप में अनकंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, उनको वो चीज़ आ रही होती है। मैं खुद अपनी ذاتی तौर पर देखता हूँ तो मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं ग्रुप के अंदर जब बैठता हूँ तो मैं शायद थोड़ा सा, मुझसे कोई पूछे आप बताएं, तो मैं, मुझे आता भी होगा तो मैं थोड़ा सा हो जाऊँगा, ठीक है। लिहाजा आप लोग सब कम्फर्टेबल रहें, कम्फर्टेबल रहें, यहाँ पर कतन किसी किस्म का भी वो नहीं हो रहा, ये एक बस एक एक्सरसाइज है, एक फन है, समझ लीजिए। लिहाजा बिल्कुल आप रिलैक्स होकर इसको काम करें। आप तो आप खुद सुपरमैन हैं। चलिए, मैं खैर में हम शुरू करने वाले हैं, आप जल्दी से। चलिए शुरू करें, आइए। चलिए अब हम आप पूछते हैं, आप लोग इसमें देख के बताइए, बगैर देख के बताएं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब तैयार हैं आप? आइए फिर, तो किताबें जरा फिर बंद कीजिए ना। नहीं, आप खोल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, अगर जो बहुत बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो वो खोल सकते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए इसको गौर कीजिएगा, ठीक है ना, बताइए आप बताइए। मिन आयाते ही, मिन के मायने जहन में लाइए, आयत ही उसको ऐड कीजिए उसके साथ। से और अब हम उसको जब उर्दू में करते हैं तो उसको कहते हैं और निशानियों में से उसकी, इस तरह कर देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। अच्छा, अब खल्कुस समावात कौन बताएगा, ये खुद बता दे, आप बताएंगे, आप बताइए। खल्कुस समावात, देखिए खल्क है, खलाका नहीं है, ठीक है, खल्कुस समावात, कोई क्रिएशन ऑफ द हेवन, पैदा करना आसमानों का, वेरी गुड। अच्छा ये हम भी बहुत गलती करते हैं, जब भी वो करते हैं फौरन जो है ना उसको ग्रामर को उसको मिक्स कर देते हैं, लिहाजा आप लोग बिल्कुल भूल ना कीजिए इसको। अच्छा उसके बाद इख्तिलाफ अल सिनातेकुम, ये कौन बताएगा? एक मिनट, आप बताइए। इख्तिलाफ अल सिनातेकुम, आप बताएंगे। अब आपने वो करना है उस तरह, जिस तरह से आपने बयान करना है, तर्जुमा करना है, रवानी बताना, इख्तिलाफ इल्तलाखो अल सिनातेकुम, कुम की तब्दील तो तर्जुमा करना है आपने, तुम सब की फर्क, तुम सब की जबानों का, ठीक है ना, नहीं हम रवा उसमें दम नहीं करेंगे, हम उर्दू के हिसाब से कर रहे हैं, हम उर्दू के हिसाब से उसको रीअरेंज कर रहे हैं, कुम तो आखिर में आना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, अगर देखा जाए अगर तर्जुमा करें तो इसी तरह होगा, फर्क जबानों का तुम सब की, लेकिन हम इस तरह उर्दू में बोलते नहीं, हमें उर्दू में क्या कहे बोलेंगे तो फिर हमें जो है वो कोई कहेगा भाई आपने क्या तर्जुमा, आपको तर्जुमा करना है, तो फर्क तुम सब की जबानों का। अच्छा लआयातिन, ये कौन करेगा? साइंस जो है, निशानियां, और ला यहां क्या था? हतमन निशानियां, हतमन में आएगा, यकीनन में आएगा, सडनली जो है साइंस, ठीक है ना। हाँ लिकौमी याकिलून, लिकौमी याकिलून, शबी साहब बताएंगे, ये जो सब समझते हैं। आफरीन, बहुत आला, लेकिन शबी साहब ने छक्का मारा, ये मुश्किल वाला था, समझे ना। चलिए अब ये हो गया आपका, आ जाइए नेक्स्ट वाली आया, हमारे पास टाइम कम है। एक्सरसाइज नंबर 3 को अब आप सब लिखिए इसके अंदर अपने हाथ से,
ठीक है, दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है। जो आपको आती है और शुरू में कोई चीज नहीं आती। हाँ देखिए, इसको रवान तर्जुमा नहीं करना है, जो आपके जहन में वो नहीं करना, यानी कहीं पर ये नहीं लिखना किसी ने कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, कहीं शुरू कहाँ है इसमें, है ही नहीं भाई। आप सिर्फ ये करेंगे, बे का तर्जुमा करेंगे, इस्म का तर्जुमा करेंगे, अल्लाह का करेंगे, उर्दू के मुताबिक उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। बे का तर्जुमा क्या था थोड़ा जहन, अच्छा अगर आपको मुश्किल हो रही हो नहीं सॉल्व कर सकते, पीछे जाके देखिए बे के तर्जुमा क्या है, ठीक है। हाँ, जरिए, जरिए से नाम के, बे, बे नाम पे आया हुआ है ना, इस्म पे आया हुआ है, अल्लाह बे पे आया हुआ, तो उसको तवज्जो दीजिए, यानी बेस यानी नाम के जरिए से, अल्लाह के नाम के जरिए से, इस तरह से होगा, अल्लाह के नाम से, लेकिन अल्लाह के नाम के जरिए से जिस तरह उन्होंने लिखा है, से भी कह सकते हैं खाली जी, इसमें वो, हाँ नहीं अब ये ग्रामर का कानून है जो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ वो इसमें, वो जो हमजा है ना, वो उसका उसकी कहानी है सारी, हमजा है, वसल है, क्या है, कत है, क्या है, वो जरिए लिखा, दोनों चीजें लिखी हैं उन्होंने पीछे। अब इसके हिसाब से आप लोग तर्जुमा कीजिए, इसके हिसाब से और गौर से कीजिएगा, ये जो आपका तर्जुमा कर रहे हैं ना, अब आप ये समझ लीजिए, अब नेक्स्ट आयत का तर्जुमा करने जा रहे हैं इसके बाद। इसमें आप पीछे से हेल्प ले सकते हैं, अपनी मेमोरी से हेल्प ले सकते हैं, कोशिश कीजिए अपनी मेमोरी से करें अगर। पेंसिल आप किसी के पास नहीं है तो ले लें दूसरे से, कुछ दी थी आपने पेंसिल किसी को? अच्छा पेंसिल ले आए तो अच्छा है, क्योंकि फिर हाँ कल से आप वो भी लेके आइएगा, थोड़ा एक रबर भी लेके आइएगा। देखिए ये जो कोर्स है ना, मैं आप लोग कर रहे हैं, मैं उसके दौरान बोलता जाता हूँ, जब तक तो ये कोर्स जो है बाज लोगों को शुरू में बहुत आसान लगेगा, बाज लोगों को मुश्किल लगेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको कम से कम 3 से 4 क्लासों में आके देखिए, फिर आपको खुद एहसास होगा कि आपके अंदर फायदा हो रहा है उसका। फोर ताके का है, ली का मतलब अच्छा, वो उसके क्या ही मायने होते हैं, क्या ही मायने होते हैं, ताके इज आल्सो फोर आता है, ताके है? नहीं आप अभी फिलहाल वो कर लें, फोर कर लें आप, ताकि आपके लिए आसानी। जैसे लिल मोमिनीन है तो आप क्या कहेंगे, फॉर मोमिनीन, आप
रहमान पहले आप कर दें, अच्छा उल्टा कर दिया आपने। अब यहाँ पर आयाते ही कहाँ है, आयाते ही का तर्जुमा करें। नहीं नहीं ही माने ही, ये ही देखें क्या था, उसकी 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 निशानी, उसके पीछे सही हाँ, मिन आयाते, आयाते ही इस निशानियों से, उसकी निशानियों में से, इस तरह से होगा उसकी निशानियों में से, इसको यानी ऐसा कर लेंगे हाँ, नहीं इनमें से छोड़ दीजिए, और निशानियाँ उसकी निशानियों में से आ जाएगा, ठीक है हाँ। अच्छा यहाँ पर सही दीजिए, अन माने का था के, के कौन कुम कहाँ गया, कुम हाँ, यहाँ पर भी आप कीजिए कुम हाँ, यकीनन में से भी कर लिया कीजिए, और है ना लगा इसमें हतमा निशानियां बस सही है। अब ये जो चीजें उसे कुम वाला कर लीजिए, कुम कर लीजिए उसको, ये आप लोग ख्याल कीजिए कि इसके आखिर के अंदर जो कुम और दूसरी चीजें हो है इन सब की, इनको ट्रांसलेट करना है आपने, ठीक है ना, इसको ना भूल जाएगा जी। कल से हमें 650 भी शुरू करना पड़ेगा, देखिए इस वक्त जो है हमें, इस वक्त हमें ये जो है ये वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद जो वो है ना जो हम शुरू की आया तो उनको जब करेंगे उसमें 20-25 मिनट लगेंगे हाँ, 650 पे जो है कल से 650 पे शुरू होगा इंशाल्लाह। चलिए अगर आप लोगों ने खत्म कर लिया हो तो इसको आगे करें, इसको हो गया, चलिए ये एक्सरसाइज 3 करनी थी, 4 भी करनी है आप, लेकिन 4 आसान है। चलिए जी कौन बता रहा है बिस्मिल्लाह का तर्जुमा कौन, किसने किया है सही, डॉक्टर साहब आप बताइए बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के जरिए कहिए, साथ ना कहिए, साथ तो आपकी अपनी मेमोरी से कह रहे हैं पुराने अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम के जरिए, अल्लाह के नाम के जरिए, जरिए उन्होंने से और जरिए लिखा है उन्होंने पीछे, ठीक है। अच्छा आप में से कौन बता रहा है पीछे से अर रहमान और रहीम, बड़ा मेहरबान और आप उल्टा कर दिया आपने हाँ अच्छा और आप बताइए जी, वमिन आयाते ही और उसकी निशानियों में से, ठीक है देखें आपने गौर किया, इन्होंने आयाते ही का जो ही है ना उसको ख्याल रखा है उसका, ठीक है उसका ख्याल रखा है, उसको नहीं छोड़ा है, ठीक है, और आयात यहाँ पर जमा है, आयत नहीं है, आया नहीं है, आयत है, ठीक है ना, आयात है, और फिर इन्होंने जो अच्छी बात की है वो मीन को फिर पीछे लेके आए उर्दू के साथ, ठीक है ना, मिलाने के लिए। अच्छा उसके बाद मैं तरतीब से बोलूंगा, लोग पहले निगाह डाल लेते चले नहीं तो आप लोगों ने खुद अपनी मेहनत से किया, खल्कु समावात कौन बताएगा, आप बताएंगे अगर सर, उसको आप कर लीजिए ना, नहीं पैदा, खल्क करना, पैदा करना आसमानों का हाँ, तो लेकिन हम उर्दू में करेंगे तो आसमानों का खल्क करना या आसमानों को पैदा करना, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अन खलाकाकुम, इसमें कुम का भी ख्याल रखना है मुझे, आप बताइए अन खलाकाकुम, अन के पहले तर्जुमा कीजिए दैट या ये के, उसके बाद
किसने? उसने. जैसे डॉक्टर साहब ने उसने, ये जरूर बताइए, ठीक है ना. हाँ, ये कि उसने खल्क किया तुम सबको. आप इसको भले इंग्लिश में लिख लीजिए, इसको आपको जिसमें आप में जिनको उर्दू आती है उसको. ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी है, काफी ट्रिकी है, ठीक है. हाँ, इसमें खलका के अंदर एक हुआ है जो जो मैं फिर आने का ग्रामर में अवॉइड कर रहा हूँ, समझे ना. खलका के अंदर एक नजर नहीं आएगा आपको यहाँ पर, उसके पेट में है. नहीं उसके, क्योंकि आपको तो, आप तो रोजे से है ना, वो रोजे से नहीं है, ठीक है ना. तो अरबी जबान में जो ये जो पहला वाला क्या कहते हैं उनका सीगा होता है, उसके अंदर हमेशा एक हुआ होता है, ठीक है. उसके अंदर उसके मायने ये होते हैं, हुआ उसके अंदर होता है. नहीं नहीं, हुआ होता है उसमें, उसमें खलका में गुम उसके बाद है, उसका फाइल वो है, उसका मफूल वो है, ठीक है ना. उसकी बात कर, उसने खल्क किया उनको तुम सबको, ऑब्जेक्ट है वो, सब्जेक्ट है, बड़ी बात करिए, ठीक है. अच्छा, मिन तुराब, रवि साहब ने क्या कहते हैं मुश्किल आला बताया, आप कर 5 पॉइंट आपके हो गए. अच्छा, छक्के मारे. इख्तिलाफ अलसिनातेकुम, या पीछे से कोई बताइए, इख्तिलाफ अलसिनातेकुम. अब देखें उसको उसके मुताबिक. हाँ नहीं, आप उसको अरेंज करके रखिए, तुम सबकी दुआनों का फर्क, इख्तिलाफ या फर्क, ठीक है ना. बहुत अच्छा. अच्छा, इन फी ज़ालिका, आप बताइए, इन फी ज़ालिका, सर्टेनली फ्रॉम दैट, या हतमन उसमें से, उसमें ज़ाली दोज नहीं कहे, दैट नहीं, आप इसको वही रखें जिसमें उन्होंने कहा उसमें. उनमें से क्यों कहेंगे ना, हाँ उनमें, उनमें कह लें, ठीक है. अच्छा, ला आयातिन, आप बताएं सदर साहब, हतमन निशानियां, बस यही है. आपसे मैं तुम्हें देख चुका हूँ इसलिए मैं आपका इसलिए पूछ रहा हूँ. लिल मोमिनीन, आपने दो दफा दी चांस ले लिया, छक्के मार रहे हैं आपको, आगे निकल के मार रहे हैं, आपको तो टर्न नहीं मिला. चलिए भारत, अब आ जाइए मशन नंबर 4 पे फास्ट, जिसको जल्दी से 2 मिनट में कर लीजिए, ये बहुत आसान है और जल्दी से हो जाएगी. अच्छा देखिए, कल जो है वो क्लास 6:50 पे शुरू हो जाएगी, शार्प 6:50 पे शुरू कर देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह 6:50. इसकी नहीं, कुछ सवाल नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा इसका, करना चाहते तो हम करते उसको, लेकिन आप में से जो लोग बाद में आए हैं, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा. आप लोग अपना काम करते हैं जो काम कर रहे हैं, जो लोग बाद में आए हैं, ताकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में, इस कोर्स का जो है पर्पस ये है, ये ऐसा है कि ये कोर्स है ऐसा कि क्योंकि पुराने पुरानी मजीद में जो है तकरीबन 78,000 वर्ड है, ये कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है, जैसे लेडी बर्ड की यहाँ पर बच्चों की किताबें मिलती हैं, वो क्या करते हैं कि जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको, वो कहते हैं कि जो रिपीट हो, वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो बहुत कम है. जैसे लेडी बर्ड वाले कहते हैं कि जो डेली लैंग्वेज में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो टोटल अगर आप 300 याद कर लें तो 75% आपको, आपको पूरी जबान आ जाती है, 75% जबान आ जाती है. तो बच्चों को 300 वर्ड अपनी छोटी छोटी किताबों में याद करा दें, ठीक है. उनमें से भी 12 वर्ड ऐसे हैं जो 25% जबान में इस्तेमाल होते हैं. बिल्कुल अरबी में यही इस्तेमाल किया गया पैटर्न. इसमें कहा गया कि कुरान में इस इन तीन किताबों में 1200 वर्ड हैं, अगर आप वो 1200 वर्ड अगर आपने कर लिए तो आपका 80% आपको कुरान की के लफ्ज आपको आते हैं, 80%.
اچھا ان 1200 میں سے جو اردو زبان اور انڈیا میں جو رہنے والے ہیں یا جو فارسی زبان بولنے والے ہیں ان کو آلریڈی اس میں سے 50% آتے ہیں 600 آتے ہیں تو صرف آپ نے 600 اگر آپ کر لیں تو آپ کو 80% آپ کو تقریباً جو ہے وہ قرآن کے جو ورڈ ہیں اس سے جب آپ ایک سادہ آیت پڑھیں گے تو آپ آرام سے اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں یہ پیٹرن ہے اس کے اوپر جو ہے کہا گیا کہ ان 600 کو اگر آپ اور اس کو یاد نہیں کرنا اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا اس کو کہ آپ اس کی ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ آ جائے گا اچھا یہ بھی 600 میں سے بھی بہت سارے ورڈ آلریڈی آپ کو آتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا یا تفکرون انہوں نے کہا ہے ہم فکر کرتے ہیں دیکھیں فکر کیجئے وہی ہے یا تفکرون ہے یا عقلون عقل کی عقل نہیں ہے آپ کسی کو ہم کہتے ہیں وہی عقل ہے یا عقلون اسی سے آیا ہے تو یہ تمام وہی اس پیٹرن سے استعمال ہوا میں نے صرف ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے تھے یا ایک آیت ذرا ہم شروع والی کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اب کتنی ہمیں اس کا ایکسرسائز کے بعد ہم کہاں تک پہنچے ہمیں ایکچولی یہ پہلی والی آیت کو بسم اللہ نہ کریں دوسرے والی کر لیں کون اس میں سے جو ہے وہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اب دیکھیں اس طرح سے کیجئے جس طرح سے روان نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے فریز فریز انا کے معنی آپ لوگ ذرا پلیز اگر آپ لوگوں نے ختم کر لیا ہو تو آ جائیے ہم نے جو شروع کی 10 آیتیں پڑھی تھی اس پہ سیکنڈ والی آیت پر آ جائیں دیکھیں اب ہم اس کے بعد ترجمہ کر رہے ہیں آیت کا ٹھیک ہے نا اب ہم اس کو ترجمہ کر رہے ہیں ایکچولی نیکسٹ کل سے آج ہونا ہی ہر کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان 10 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں خود آپ لوگ کرتے ہیں ابھی اب مجبوری ہے کہ آپ لوگ لیٹ آئے تھے آج اس لیے آج اس کو آپ ختم کر کے آئیں گے اس کو کیونکہ میں کل آتے ہی یہ پوچھوں گا 10 آیتیں ٹھیک ہے اس میں صرف ہم 5 سے 10 منٹ لگائیں گے اس پہ کل ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو جیسے ان فی ذلک ٹھیک ہے ان یقیناً ٹھیک ہے فی ذلک اس میں لآیتن اچھا اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب انا آتا ہے جب وہ وہاں پہ لا آئے گا تو اس کا ترجمہ ضرورت نہیں دوبارہ کریں انا کیونکہ ایک دفعہ آ گیا نا حتمن تو آپ بار بار نہیں کہیں گے حتمن ٹھیک ہے لہٰذا وہاں لا کے ترجمہ نہیں کریں گے ہاں کس کے لیے لقومی جو سب کے سب فکر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہرحال آج ہم کیونکہ ٹائم ہم مغرب کا تقریباً ہو چکا ہے لہٰذا ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں کل سے 6:50 پہ بالکل شارپ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے لیے مشکل بھی لگ رہا ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں 3 کے بعد اگر ان کو سمجھیں گے نہیں ابھی سمجھ میں آ رہا کچھ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پھر اس کو چاہے وہ ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں ہوم ورک یہ آپ آج تو آپ مجبوری ہے کہ آپ کو 10 کر کے آنی پڑیں گے ورنہ ہوم ورک کوئی نہیں ہے اس کا آپ ورنہ آگے اس وقت کر لیجیے گا 10 جو شروع کی آیتیں ہیں نا ان کا ترجمہ میں پوچھوں گا کل ہاں ورنہ اس کا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی اپنی کتابیں ساتھ لے کے آئیے گا کل پینسل اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا ربڑ وغیرہ ساتھ لے کے آئیے گا تاکہ اگر آپ لوگوں کو غلطی ہو تو اس کو مٹا کے اس وقت آپ کتابیں اپنے ساتھ رکھیے یا آپ لوگوں کی اپنی کتابیں نام رکھیے گا یہ 2 بکس بچی ہوئی ہیں جی اس کو رکھ لیجیے کل کام آئے گی مجھے دیر میں ملے گا